सो हेलो गाइस, मैं ऋषि और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल आर एस ऋषि ब्लॉग। अभी हम मौजूद हैं कटक स्टेशन पे और यहाँ से जा रहे हैं पूरी घूमने के लिए, और हमारे साथ तीन लोग और हैं। तो देखिए, अभी कटक स्टेशन पे है और हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं ट्रेन आने का। ट्रेन आएगी तो हम लोग यहाँ से जाएंगे। तो आप हमारे इस ब्लॉग में पूरा बने रहें, आपको हम पूरा आज सीन दिखाएंगे कैसे। और देखिए, हमारे साथ ये तीन लोग हैं, तीनों भाई ही जा रहे हैं एक साथ, और एक हम जा रहे हैं। और देखिए कटक स्टेशन का ये सीन जो काफ़ी मनोरम और आकर्षक है। देखिए बहुत ही साफ सफाई का स्टेशन पे बहुत ही ध्यान रखा गया है, देख पा रहे हैं यहाँ पर स्टेशन पे। और यहीं से हमारी ट्रेन अभी आ रही है और हम लोग जाएंगे यहाँ से पूरी जगन्नाथ मंदिर। देखिए यहाँ पे कुंदन जी, यहाँ पे उनके भाई सोहन, अमृत देख पा रहे हैं यहाँ पे। और यहीं से हम लोग जाने वाले हैं आज पूरी। और फाइनली हम लोग ट्रेन पे बैठ चुके हैं, देख पा रहे हैं हमारे साथ कुंदन जी, सोहन और इधर अमृत। और यहाँ से देखिए हम लोग ट्रेन पे बैठ चुके हैं। ट्रेन देखिए खाली खाली सा है पूरा एकदम। देखिए सभी लोग बैठ चुके हैं और लोग वहाँ जाके बहुत इंजॉय करने वाले हैं। वीडियो में हमारा पूरा बने रहे। और देखिए ट्रेन का रफ्तार कितना है, और यहाँ पे ट्रेन चालू हो चुका है और हम लोग जा भी रहे हैं। यहाँ पे आपको हम पूरा सीन दिखाएंगे यहाँ का, चारों तरफ का देख पा रहे हैं। तो पूरी घूमने का बहुत दिन से शौक था, तो आज सोचे कि सभी लोग मिलकर चले ही जाते हैं। देखिए हमारे साथ सभी लोग आनंद पूर्वक जा रहे हैं। चलिए अब हमारे पूरा ब्लॉग में पूरा बने रहे, वीडियो को थोड़ा सा स्किप ना करें और भाई को सपोर्ट करें। क्या आप लोगों का थोड़ा थोड़ा सपोर्ट ही हमें कुछ ऊपर लेके जाएगा। जिस तरह आप सपोर्ट करते आ रहे हैं उसी तरह हमें आप सपोर्ट करते रहिए। हेलो मित्रों, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं खुर्दा, लेकिन यहाँ पे उतरने का कारण ये हो चुका था कि जिस स्टैंड पे हम लोग बैठे थे वो हमें खुर्दा तक ही आके छोड़ दी। एक्चुअली जो है कि वो पूरा कलकत्ता से पूरा बुक होकर ही आया था इधर, जो है कि खाली करना पड़ा खुर्दा में। वो ट्रेन जो था पूरा रिजर्व था, इसलिए यहाँ पे खाली करवा दिया गया था। और यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं गाड़ी का, फिर गाड़ी ट्रेन आएगी, फिर हम लोग जाएंगे यहाँ से पूरी। आप पूरा हमारे वीडियो में पूरा बने रहे, देख पा रहे हैं। पूरी जाने के लिए सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर। अधिक मात्रा में भीड़ है, हम लोग भी वेट कर रहे हैं अभी जाने का। पूरी यहाँ से कुछ दूर है, 15-16 किलोमीटर है, यहीं से हम लोग पूरी जाएंगे। देखिए क्या क्या नुकसान, देखिए हम लोग जो दूसरे ट्रेन पे बैठे इसमें भीड़ कितना है यहाँ पे। और हम लोग खुर्दा में जो दूसरे ट्रेन पे बैठे देख पा रहे हैं इसमें भीड़ कितना अधिक मात्रा में है। चारों तरफ यहाँ पे पैसेंजर ही पैसेंजर देख रहे हैं, चारों तरफ पूरा भीड़ है। आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देख पा रहे हैं हम लोग कैसे एडजस्ट में बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पे सभी लोग आगे पीछे करके बैठे हुए, इधर भी दिखा रहे हैं। अब पूरा देखिएगा ट्रेन, अगर देखिएगा देखिए पूरा ट्रेन को देख पा रहे हैं, बहुत भीड़ है ट्रेन में। और अभी बाहर से आदमी प्रवेश किया जा रहा है यहाँ पे बोगी में। आप हमारी वीडियो में पूरा बने रहें, वीडियो को थोड़ा सा स्किप ना करें। और इसी तरह का हम यूट्यूब पे वीडियो लाते रहते हैं, इसे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को स्किप थोड़ा सा ना करें, वीडियो में पूरा बने। और पहले हम लोग पूरी स्टेशन पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप सीन देख पा रहे हैं पाछे का, ये पूरी का हम लोग पूरी स्टेशन पहुंच रही हैं। देखिए अमृत जी, सोहन, कुंदन, आप देख पा रहे हैं ये स्टेशन का नज़ारा कितना भीड़ है। और देखिए आपको हम स्टेशन से ही पूरी का दृश्य दिखाना चाह रहे हैं, जो काफ़ी अद्भुत आकर्षक है। चलिए आपको मिलाते हैं अब बीच पर। और अभी जैसे हम लोग स्टेशन पर आए तो भूख तो बड़ी जोर से लगा हुआ है, इसलिए हम लोग खाना खाने के लिए पहले होटल को ढूंढ रहे हैं। और होटल मिल चुका है, क्योंकि होटल मिल चुका है, होटल में जाते हैं खाना खाएंगे। देख पा रहे हैं फाइनली हम लोग होटल में आ चुके हैं, होटल में खाना भी हमारा आ चुका है। देखिए हम लोग नई खाना स्टार्ट भी कर चुके हैं, भूख बहुत लगा हुआ है। और देखिए हमारा खाना भी आ चुका है, देखिए खाना में क्या क्या है। चावल दाल है, सलाद है, चटनी है, दलमा इसको बोलते हैं। और देखिए किस ताज़ा बहुत प्रकार का सब्जी है, देख पा रहे हैं। दोनों वेट कर रहे हैं होने का, तब तक ये खाना खा रहे हैं और हम भी अब खाना खाएंगे। चलिए ब्लॉग में पूरा बने रहे। और फाइनली हम लोग इस समुद्र बीच पे पहुंच चुके हैं पूरी में। देखिए आप देख पा रहे हैं पास का नज़ारा,
कितना अद्भुत है। एक कैमरा से दिखाना चाह रहे हैं, देख रहे हैं बाहर से नज़ारा, देखिए कितना खतरनाक है। और देखिए समुद्र की लहरें कैसे उफान मारती हुई आ रही है। और यहाँ पे देखिए कुछ लोग हमारे जो आए साथ आए हुए थे हमारे दोस्त, सब गूगल से ले रहे हैं, देख रहे हैं कौन सेट करता है इनके ऊपर। कुंदन जी हमारे साथ, अच्छा लग रहा है। देखिए कुंदन जी को अच्छा लग रहा है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। और यहाँ देखिए यहाँ पे हाफ पैंट मिल रहा है, टी शर्ट मिल रहा है कि आप स्नान कर, बहुत आनंद आ रहा है। यहाँ पे देखिएगा आप दीप के समय यहाँ पे आप पढ़े होंगे समुद्री समीर, देखिए दीप में बताओ। यहाँ पे मौसम जो है बहुत ही अभी सुनहरा है, मौसम भी पूरा एकदम ठंडा किया हुआ है कि ज़्यादा परेशानी भी नहीं हो रहा है आदमी को, देख पा रही है रेत, बहुत ही आनंद आ रहा है। वीडियो को थोड़ा सा स्किप ना करें, सपोर्ट करें भाई को, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर ही दें। चलिए वीडियो को आगे का सीन दिखाते हैं। इस समुद्र के बीच पे कितना ऊँट घोड़े सभी प्रकार की चीज़ें हैं, अगर आपको ऊँट से घूमना हो तो आप ऊँट से घूम सकते हैं। देखिए ऊँट कितना सारा घूम रहा है, ऊँट देखिए यहाँ पे लहरें समुद्र का, ऊँट देखिए बहुत ही आकर्षक अद्भुत नज़ारा। तो देखिए सामने से ऊँट को देख पा रहे हैं, आप लोग सुने होंगे आपको दिखा रहे हैं ऊँट का नज़ारा। यहाँ देखिए, और यहाँ देखिए कुंदन जी, और ये देख, और ये देख पा रहे हमारे पास में समुद्र की लहरें कितनी उफान मारती हुई। और देखिए यहाँ पे एशियन लोग भी आए हुए हैं, देखिए यहाँ पे कुछ एशियन लोग भी आए हुए हैं। और यहाँ देख पा रहे लहरें, देख पा रहे हैं कितने लोग, आकर्षक अद्भुत नज़ारा, बहुत ही अच्छा नज़ारा यहाँ पे। और ऊँट पे देखिए सवारी बच्चे लोग कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं देखिए ऊँट का। तो देखिए आपको हम लहरें दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे क्या गजब लहरें हैं, आह बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पर बीच पे देख पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे देखिए कितने हैं, इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और देखिए ऊँट, आपको मिलवाते हैं हमारे कैमरामैन कुंदन जी से जो कैमरे के पीछे थे, लेकिन फिर आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे देखिए। और फाइनली हम लोग पुरी से आ चुके हैं कटक, देखिए अभी और समय हो गया होगा 11:10 हो गया है रात में, और चार जन गए थे और चार जन आ चुके हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। धन्यवाद भाई।